मुरादाबाद रामलीला ग्राउंड में बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पहुंचकर जनसभा को किया संबोधित। चार बार के मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती सोमवार को समाजवादी पार्टी के जख्मों को हरा कर गईं। उन्होंने सपा के निवर्तमान सांसद व मुस्लिम प्रत्याशी डॉक्टर एस टी हसन के टिकट को काटकर हिंदू प्रत्याशी रुचि वीरा को टिकट देने को हवा देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए सपा ने मुस्लिम बहुल्य आबादी वाले मुरादाबाद में मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट काटकर हिंदू प्रत्याशी को दे दिया है, जबकि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म व जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार पर संकीर्ण सांप्रदायिक देश विरोधी नीतियों की आलोचना की। सरकारी नौकरियों में पिछले काफी वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावी में बढ़ा दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्य में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य और प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेतु आदि को ही दिए जाने के कारण अभी तो पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अंदर उन मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इसकी जानकारी आप लोगों को दी है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इसकी काफी कुछ जानकारी है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आदर्शवादी सरकारों से चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बलशाली हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की ओर से कोई भी जाति भी या काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है। हिंदू की आग में इनका काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें तो खास करके नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण ही किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है और पिछले कुछ वर्षों से तो आए दिन किसान सड़कों पर ही अपनी आवाज उठाता रहा है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी और परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व के सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश के हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है, घटना काफी बढ़ा हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़े चिंता की बात है। ऐसे में हम आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जितनी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक अजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के
साम दाम दंड भेद आदि अनेकों पंजे इस्तेमाल करके केंद्र की सरकार ने आने की पूरी पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा साथ हो गया है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया ओपिनियन को यह सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी दूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों विरोधी पार्टियों के विभिन्न ग्रुपों में जारी किए गए इनके हवाई प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों और वो वायदोवादी के जनकारों ने भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं आती है। और जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही टूट गया है, ये खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र